तो आप सभी का स्वागत है एल्डन रिंग के पार्ट नंबर 76 के अंदर। तो यार जो मैं सोच रहे थे बड़ा ड्रैगन क्या है, इतना बड़ा ड्रैगन ये है ग्रेओल। ग्रेओल बेसिकली क्वीन है ड्रैगन्स की, तो ये समझ लो। और ये यहाँ पे क्यों है, ये असल में फंसी हुई है। रीज़न बीइंग ये यहाँ पे स्कारलेट रॉट है और उसके अंदर फंस गई है, स्कारलेट रॉट में फंस चुकी है। अब हम इसको या तो यहीं पर मार सकते हैं, लेकिन इंटेंडेड जो है गेम के अंदर इंटेंडेड है कि यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे 5 ड्रैगन्स हैं जो बेसिकली इसके बच्चे हैं, 5 बच्चे इसके, उनको हराएंगे तो इसकी हेल्थ कम होती चली जाएगी। तो ये है इसका इंटेंडेड, और हम इंटेंडेड करेंगे, हम ड्रैगन से लड़ेंगे 5 के 5। तो हर ड्रैगन के मरते ही इसकी हेल्थ कम हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी गड़बड़ के, हम बहुत पिटने वाले हैं। शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे कि सारे ड्रैगन्स एक साथ ना आए। एक ड्रैगन गया और इसके साथ इतने बड़े ड्रैगन की 1/5 हेल्थ खत्म। ध्यान रखना है कि एक साथ सारे ड्रैगन्स ना आ जाए। ये जो हमारा ग्रोल है ये ड्रैगन्स को बफ भी कर सकता है अपनी रोड्स वगैरह के साथ, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसका भी। आ जाए इधर, हमें उधर वाले से दूर रखना है। आ जा। और भी है कोई? नहीं, आ रहा है। नहीं, एक और आ रहा है। भाई डैमेज बहुत है इसका। अबे यार ओके हरा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। हमें पहले कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हमें स्टैमिना की यहाँ पे रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, हमें चाहिए स्ट्रेंथ, हमारे काम आ सकती है।
ये काम आ सकते हैं हमारे। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं। इक्विपमेंट में चलते हैं, अभी हम इस्तेमाल करेंगे ब्लड हाउंड फैंग। हमें स्पीड चाहिए, उसका मतलब ये हम इसकी जगह कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ हम अपनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें फिजिकल डैमेज नेगेशन चाहिए। फायर डैमेज, नॉन फिजिकल, इम्यूनिटी, फोकस, वाइटैलिटी, इनकैंटेशंस, ये शायद काम आ सकते हैं हमारे। अटैक पावर हमारे ज्यादा काम आएगा, लेकिन और इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं हमें, ये रखते हैं। फाइनल तो यही है कि यहाँ से ही मार के खत्म कर दो उसको, लेकिन मैं वैसा करना नहीं चाहता अभी। इसके आवाज़ की वजह से, धारने की वजह से उसको पहले ही पता चल गया ड्रैगन के मारे हैं। हो गया, अभी तक बेटर है सिचुएशन। अब यहां से चलते हैं दूसरी तरफ, नहीं फिर होटल गायब हो जाएगा। मैं भी दूसरे एंगल पे, इस वाले पे चलते पहले। हो गया, अगला वहां पर है।
ध्यान रखना। एक और गया, तीन जा चुके हैं, दो बचे। ओके, ध्यान से काम करना पड़ेगा। अगला ड्रैगन कहां पर है? वो शायद इस साइड होगा। बोरे तो ये बहुत ही क्लोज हैं, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे हमें फाइनली ग्रॉल की शक्ल देखने को मिल रही है। बुरा हुआ बचाए के साथ। आजा आजा आजा, और कहीं तो नहीं है ना कोई? यार ह्यूटल मर गया, नहीं जिंदा है या मर गया? अब ध्यान देना पड़ेगा, ड्रैगन तो हट गया, दूर दूर हो चुका है वहां से। अब गलती नहीं कर सकते ज्यादा।
क्लोज वन। एक और, नहीं 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 गलत सीन है। एक और गया। ठीक है, हिसाब से मेरे ख्याल से एक और को मारना पड़ेगा हमें, लेकिन इन दो को मारेंगे तो परेशानी हो जाएगी। तो फिर नहीं, वो ज़्यादा दूर है, मारना तो इन दोनों में से एक को ही पड़ेगा। आने दो इसको हमारे पास। टाइम लगेगा इस वाले के लिए। ज़्यादा पंगे नहीं लेने। मर गया। ड्रैगन हार्ट मिला हमें, 5 ड्रैगन हार्ट्स मिले हमें। ओके, हरा दिया हमने ग्रॉल को। ऐसे बुरा हुआ था उसके साथ, मेरा मन तो नहीं था उसको हराने का, लेकिन फिर मैंने सोचा हरा ही देते हैं। तो एक लेवल अप कर लेते हैं, फिर वहाँ चलते हैं कैथीड्रल ऑफ ड्रैगन कम्युनियन पे, और वहाँ पे फिर ड्रैगन हार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं।
फिर अगले एरिया में चलेंगे। ओके अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास। ड्रैगन फायर, गिल्स फ्लेम, ग्लिनस्टोन ब्रेथ, स्मारक्स, ग्लिनस्टोन ब्रेथ, रोटन ब्रेथ, एक्जीगेसिस डिके, ड्रैगन नाइस, ड्रैगन क्लॉ, ग्रेओल्स रोर। लेकिन हम इसका इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो उसका वो वाले इंकैंटेशन लेते हैं जो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रैगन आइस का, और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रॉटन ब्रेथ का। तो सबसे पहले इसको लेते हैं एक, दो, तीन, चार बचे हैं हमारे पास। कितने बचे हैं? पांच हमारे पास बचे हुए हैं। तो फिर यहां से लेना शुरू करते हैं। अब ये बचा है, ये बचा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एरिया जो हमें करना चाहिए कवर, नियम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं। यहाँ पे चलते हैं। Back off. Unusual to this. अच्छा हाँ, ये भी बच गए थे हमारे, ये और ये बचा था। एक बच गया यार, 1250 रूम्स के अंदर एक खत्म हो जाता। खैर कोई बात नहीं, हम देखते हैं अब यहाँ पे क्या है। ओके
यहाँ आसपास कोई स्प्रिट स्प्रिंग वगैरह कुछ है क्या? हमें जाना है उस जगह पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे डिवाइन टावर ऑफ केलिड होगा अगर मैं सही हूँ। वो रहा, तो यहाँ पे जाने का रास्ता है। अब मुझे याद आया मैंने क्यों मार्क किया था यार, यहाँ से वो ये हम पे हमला कर रहा है यहाँ से भी। यहाँ के लिए हमें यहाँ से जाना होगा। ट्रैक करते हैं कि जाना कहाँ से है। कोई बात नहीं, ओके आप एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं इस साइड पे। अब ड्रैगन से हमें थोड़ा कम खतरा होगा। खतरा तो है अभी भी। लेकिन शायद से वो लाल आंख वाले ड्रैगन्स खत्म हो गए। यहाँ सामने है कुछ, लड़ ही लेते हैं। अब डर नहीं लग रहा है ड्रैगन से।
और मुझे यहाँ पे कैवर गोल दिख रहा है। बड़ा छुपा रखा है वाला तो। सीलिया एवर गोल, ओके। ध्यान से चलेंगे। ये बैटल में से तो धुल रहा है। पता है क्या, हम इसको एक मौका देंगे, हमें अलग अलग तरीके से परेशान करने का। हम इसको कभी भी हरा सकते हैं। थोड़ा परेशान करो हमें। खेल हो गया बहुत ज्यादा। हम थोड़े से ज्यादा वो हो गए थे भावुक। इसमें पूरी गलती मेरी है। इसको मौका नहीं देंगे, एक बार में हराएंगे। ओके खत्म। बैटल में सॉरी मेटल बैटल में ह्यूग्स। ओके अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या था? ये तो शायद सीलिया टाउन है। हमें जाना है अब इस साइड पे, तो उस साइड चलते हैं। यहाँ से शायद से हमें रास्ता मिल जाए उस साइड पहुंचने का। मे बी इस साइड से। पहुंच गए।
पहुंच गए। वहां पे एक एनिमी दिख रहा है मेरे को। हाई मिड एक्शन मार दिया भाई, एक ऑलमोस्ट मार दिया। खत्म। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे पहुंचने का और कोई तरीका है क्या? यहाँ से सॉफ्टवेयर की वजह से तो पहुंच ही सकते हम, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई रास्ता होना चाहिए।
असल में आया कि हम घूम का रहे हैं, ये लिटरली बस ये जो पूरा एरिया था ये हम शायद ऑलमोस्ट कभी भी एक्सेस कर सकते थे। बात ये है नीचे जाने का शायद यहाँ से रास्ता है। मुझे एक बार देखना है कि हम कैसे जा सकते हैं नीचे। अगर रास्ता मिलेगा तो इस साइड से ही मिलेगा। करना तो अब यहीं से पड़ेगा। शायद से सियोफ्रे वेल के अलावा और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे, तो पहले चलते हैं इस साइड पे। यार रूनिक भी ऐसे फिर लड़ाई करनी पड़ेगी, उसको बायपास करके यहाँ से सामान ला सकते हैं क्या? स्टोन सॉर्ट की, अच्छा इसका ये कर रहा था, लड़ना तो पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ के इस वाले एरिया के अंदर एक साइड ऑफ प्लेस ढूंढते हैं।
सोच भी कहो है ताकतवर। मुझे याद है ये वाला। उस साइड पे वो क्यूटेड एवेटार था और साइड पे ये है, यहाँ पे कोई साइड ऑफ ग्रेस वगैरह कुछ छुपा हुआ है क्या? ध्यान से गिनना नहीं है। पता नहीं क्यों यहाँ पे कोई टॉक का मैसेज आया था। ये रहा। ओ ये ओके हमें दिख रहा है। एक ही को बुला सकते हैं क्या? ओ ना ब्लडहाउंड पैंक वाली क्वालिटीज है। यार ये हमेशा बच जाता है तो फिर बच गया। अब तो ये हाथ हो गए। ओ तो काफी ज्यादा डैमेज है। फिलहाल हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिलहाल चलते हैं यहाँ पे और इस एरिया को चेक करते हैं जो हमारा एक एक छोटा सा एरिया बचा है उसको। वैसे यहाँ पे सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। ये जो है
मेरे ख्याल से बेटर रहेगा अगर हम घोड़े से उतर जाए। यहाँ से कैसे जाना होगा? ऐसे बहुत ही गलत जगह पे है। मैं बस ये जानना है ये है क्या चीज। ये क्लोज था। मैं कुछ भी कर रहा हूँ इस टाइम पे। Newman's rune. Okay. अरे यार ध्यान से करना पड़ेगा। का
पता चल जाए कि हम सही जगह जा रहे हैं, एक साइड ऑफ ग्रेस दिख जाए बस। ये काफी ऊपर गए हम और हमें एक साइड ऑफ ग्रेस दिख रही है। नहीं 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 नहीं, ध्यान से ध्यान से। ओह डिवाइन टावर ऑफ केलेड, तो ये डिवाइन टावर ऑफ केलेड है, तो वो वाले रीजन क्या है जिसमें इतना बड़ा जार है। अगली वीडियो के अंदर उस जार वाले एरिया को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या ये सिंपल तरीका है पहुंचने का? ओके तो इसके बाद के तो आगे चल के ही करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यार मैं जो नई वीडियोस नए गेम्स डाल रहा हूँ उनको भी ज़रूर चेकआउट करो, साथ ही में यार मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करो। तब तक के लिए इतना ही, सायोनारा।